नमस्कार, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। हरियाणा पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची की जारी। बताने वाले को 5 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। जी हां, हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची जारी की। इसमें 5 लाख रुपए तक के इनामी बदमाश शामिल हैं। झज्जर के पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने इन मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए नई योजना बनाई। झज्जर के SP वसीम अकरम ने कहा कि इनाम घोषित होने के बाद मोस्ट वांटेड आरोपितों को पकड़ने के लिए योजना बनाकर कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मोस्ट वांटेड के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम की राशि दी जाएगी तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता व उसकी पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न आपराधिक मामलों में मोस्ट वांटेड बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा 5 लाख रुपए तक के इनाम घोषित किए गए। झज्जर पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी कि झज्जर जिला के मोस्ट वांटेड इनामी बदमाशों को पकड़ने के संबंध में SP श्री वसीम अकरम ने CIA प्रभारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। जिले के मोस्ट वांटेड 13 बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रखा है 5 लाख रुपए तक का इनाम। आपको बता दें कि झज्जर पुलिस अधीक्षक SP श्री वसीम अकरम ने बताया कि अपराधियों के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम, पता व उसकी पहचान को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा। बदमाशों की सूची, हम आपको बता दें कि इन बदमाशों को किया गया है इनाम घोषित। मैनपाल निवासी बादली पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया। सुरेंद्र उर्फ चीता निवासी निर्जन जिला जींद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं जगबीर उर्फ बच्ची निवासी गाँव जसरहेड़ी जिला झज्जर पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। सभी अपराधियों के फोटो व उनके नाम आप देख रहे हैं समाचार क्यारी हिंदी न्यूज YouTube चैनल पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।